वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोगों ने दो क्वेश्चन लर्न कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। और विनय के पद रिटन बाय तुलसीदास जी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तुलसीदास जी रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं। क्वेश्चन किया गया है तुलसीदास जी रघुपति मतलब रामचंद्र जी के चरणों में क्यों बसना चाहते हैं, मतलब उनके चरणों में क्यों लीन होना चाहते हैं। आंसर इज रघुपति के चरण कमलों में अमृत रूपी रस विद्यमान है, इसलिए तुलसीदास जी रघुपति के चरणों में बसना चाहते हैं। मतलब क्या, रघुपति के चरण कमलों में अमृत रूपी रस, इससे मतलब है कि नैया पार लगा देना। मतलब अगर रघुपति के चरण कमलों में बस जाने से मतलब है कि उनकी ही भक्ति में लीन हो जाने से तात्पर्य है कि उनको इतना ज़्यादा पूजने पर या फिर उनको मानने के पर हमारी लाइफ बिल्कुल तर जाएगी। इसलिए तुलसीदास जी रघुपति के चरण कमलों में बसना चाहते हैं क्योंकि अमृत रूपी रस विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने परिजनों का त्याग किस किसने किया। तो परिजनों मतलब जो हमारे परिवार में लोग होते, सदस्य होते हैं, उनका जो त्याग, उनको किसने छोड़ दिया। तो भगवान के प्रति प्रेम न होने के कारण, ऐसा नहीं कि जिस चाहे ने छोड़ दिया, नहीं, भगवान के प्रति प्रेम न होने के कारण अपने परिजनों का त्याग प्रहलाद ने। तो प्रहलाद ने किसको छोड़ा था, अपने फादर को, मतलब अपने पापा को या पिताजी को, हिरण्यकश्यप को। विभीषण ने रावण को, अपने भाई को। भरत ने अपनी माँ कैकेयी को। बलि ने अपने गुरु को, तथा ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था क्योंकि वो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते थे। ओके, समझ में आ गया होगा। तो आज ये दोनों क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।